हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल काइट ऑफ नॉलेज। और आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर के बारे में हम बहुत ही शॉर्ट डिस्कशन करने वाले हैं। और ये वीडियो उनके पोएट्री, बायोग्राफी और पैशन के कम और मेरे इमोशंस का ज़्यादा है, तो मैं कोशिश करूँगी बहुत ही अटेंटिवली एंड केयरफुली ये वीडियो कम्प्लीट करने का। तो लास्ट तक इस वीडियो के साथ जुड़े रहें। तो फर्स्टली मैं रविंद्रनाथ टैगोर ना बोल के रविंद्रनाथ ठाकुर बोल रही हूँ, क्योंकि उनका ओरिजिनल सरनेम है ठाकुर और ब्रिटिशर्स ठाकुर प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, इसीलिए बोलते थे रविंद्रनाथ टैगोर। बट मेरे लिए इट्स ऑलवेज रविंद्रनाथ ठाकुर, एन इमोशन ऑफ बंगाल, इंडिया एंड एज वेल एज वर्ल्ड। रविंद्रनाथ ठाकुर के जन्म हुआ 7 मई 1861 जोड़ा शाखो ठाकुरबाड़ी कोलकाता में। आर्ट एंड लिटरेचर के हर एक साइड से फेमस थे, जैसे कि मोस्ट फेमस पोएट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, एसेइस्ट, नॉवलिस्ट, सॉन्ग कंपोजर, पेंटर, सोशल रिफॉर्मर, ड्रामाटिस्ट, फिलोसोफर, ग्रामरियन एंड सो ऑन, जिसमें 2230 सॉन्ग्स और 2200 पेंटिंग्स भी इंक्लूड है। बस 8 साल के एज में ही फर्स्ट स्टार्ट किए पोएम राइटिंग, जिनमें फर्स्ट पोएम है अभिलाषा, और उसका एक बहुत ही अच्छा कोटेशन है, यू कांट क्रॉस द सी मेयरली बाय स्टैंडिंग एंड स्टेयरिंग एट द वाटर। तो हर काम में कामयाब होने के लिए उस काम को शुरू करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, यही सीखने को मिलते हैं ये कोटेशन एंड अभिलाष पोएम से। उनका प्राइमरी पढ़ाई कंप्लीट हुआ होम ट्यूटरिंग से, क्योंकि स्कूल में पढ़ाई से ज़्यादा अच्छा उनको अकेले में बैठ के खुद के पोइट्री लिखने में आता था, जिससे पता चलते हैं उनके हाई इंटेलेक्ट के बारे में। और यहाँ पे रविंद्रनाथ ठाकुर का ही एक और कोटेशन बहुत अच्छे से मैच होता है, जो है द ग्रीड फॉर फ्रूट मिसेस द फ्लावर। इसीलिए हमें हमेशा खुद के टाइम जीना चाहिए, बिना फ्रूट्स के चिंता किए एंड बिना रिग्रेट्स किए। और यहाँ पे मैं उनका एक और कोटेशन शेयर करना चाहूँगी, और वो है इट इज़ वेरी सिंपल टू बी हैप्पी बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू बी सिंपल। और आज का जनरेशन सिंपल रहना भूल चुके हैं, और अगर कोई सिंपल रहना चाहे तो उनको इंसल्ट फील करवाया जाता है, जिसके वजह बनते हैं बहुत सारे फैमिली प्रॉब्लम्स, सोशल टैबू, पेरेंट चिल्ड्रन रिलेशनशिप इशू एंड सो ऑन। तो अगर आप सिंपल हो या आपके लाइफ सिंपल तरीके से लीड करना चाहते हो, तो जस्ट बी प्राउड ऑन दैट। खुद को लोगों से अलग नहीं, लोगों से यूनिक सोचना चालू करो। तो इसके साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उनका कुछ फेमस वर्क के बारे में। उनके ज़्यादा बुक्स, सॉन्ग्स, पोइम्स लिखा जाता था इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के बारे में। घोरे बायरे, चोखेर वाली, भारत भाग्य विधाता, काबली वाला, ये सारे बहुत फेमस बुक्स हैं उनका। 1902 के बाद से शुरू हुआ उनके लाइफ के सबसे बड़ा स्ट्रगल टाइम, जहां 1902 के उनके वाइफ के डेथ हो गए। 1903 के 19 सितंबर उनके डॉटर रेणुका जी का डेथ हो गए। 1905 के 19 जनवरी उनके पिता देवेंद्रनाथ ठाकुर के डेथ हो गए। एंड फाइनली 1907 के 23 नवंबर उनके सन सविंद्रनाथ ठाकुर के डेथ हो गए। और इतना बार टूटने के बाद भी वापस हिम्मत के साथ खड़े हुए, इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए लड़े उनके पेन के थ्रू। 1905 के पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम एक सॉन्ग कंपोज किए अमर सोनार बांग्ला, जो आज बांग्लादेश के नेशनल एंथम है। इस टाइम पे ही हिंदू एंड मुस्लिम एक दूसरे को राखी बांधने के लिए रिक्वेस्ट किया, एज अ सिंबल ऑफ ब्रदरहुड एंड यूनिटी। ये टाइम पे ही उनका फेमस सॉन्ग में से एक सॉन्ग एकला चलोड़े कंपोज किया, जिसका मेन मतलब है अगर इनजस्टिस के टाइम पे आप अकेले चल रहे हो तो बिना डरे अकेले आगे चलते रहो। इसके बाद ही उन्होंने लिखा उनके सबसे पॉपुलर बुक गीतांजलि, जिसमें गीत मतलब सॉन्ग एंड अंजलि मतलब ऑफरिंग, जिसके लिए ही उनको नोबेल प्राइज मिला 1913 पे। और ऐसे ही रविंद्रनाथ टैगोर बन गए फर्स्ट नॉन यूरोपियन राइटर जिनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। सिचुएशन उनके साथ नहीं देने के बाद भी उन्होंने हार नहीं माना, जिसको और भी एक अमेजिंग कोटेशन है, इफ़ यू क्राई बिकॉज द सन हैज़ गॉन आउट ऑफ योर लाइफ
योर टीयर्स विल प्रिवेंट यू फ्रॉम सीइंग द स्टार्स। तो सिर्फ इंडिया के नेशनल एंथम जनगण मन या बांग्लादेश का नेशनल एंथम अमर सोनार बांग्ला कंपोज नहीं किया, श्रीलंका के नेशनल एंथम भी इंस्पायर्ड है रविंद्रनाथ ठाकुर से। उन्होंने जो लास्ट बुक लिखे थे वो है शेषेर कविता, विच मीन्स द लास्ट पोएम, जो एक्सप्लोर करते हैं थीम ऑफ लव, ह्यूमन रिलेशनशिप एंड कॉम्प्लिसिटीज ऑफ लाइफ। और फाइनली उनका बिलीफ नेशनलिज्म के एक स्टेप ऊपर था, जो है इंटरनेशनलिज्म, जिसका मतलब है खुद को बंगाल या इंडियन नहीं एक ह्यूमन बीइंग मानते थे। उनका बिलीफ ये था कि पूरी दुनिया एक है और हमें अदर कंट्रीज को हेट नहीं करना चाहिए बिना रीजन के। तो ये था आज का पूरा डिस्कशन। मैं मेरा पूरा इमोशन के साथ ये वीडियो कंप्लीट किया, और आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।